बढ़ते प्याज के दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्याज की कीमतें आजकल हर किसी की आंखों में आंसू ला रही हैं, जिसके चलते आज नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती प्याज की दरों को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान द्वारा संसद के अंदर यह जानकारी दी गई थी कि 25,000 टन प्याज सड़ने के कारण प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने मुख्य मांग की है कि प्याज जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्याज घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। प्याज घोटाले के नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वैसे तो प्याज काटते समय आंखों में आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार तो खरीदने से पहले भी ग्राहकों के प्याज आंसू निकाल रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और आसपास के इलाके सहित खुदरा बाजारों में तो प्याज की कीमत 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारी जेब पर ही पड़ता है। आजकल छोटी प्याज की कीमत करीब 60 रुपए प्रति किलो है, जो मंडी से दुकानदार 40 से 50 रुपए प्रति किलो के दामों में खरीद कर ला रहे हैं। वहीं अच्छी क्वालिटी की प्याज 120 रुपए प्रति किलो है, जो कि दुकानदार मंडी से 100 से 120 रुपए प्रति किलो में खरीद कर ला रहे हैं। इस बढ़ती प्याज की कीमत से आम जनता का सब्जियों का बजट बिगड़ा हुआ है। वहीं पूरा देश इस प्याज की कीमत बढ़ने से अपने खाने में इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर रहे हैं। तस्वीरों में देखने वाले ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्याज घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है, आज प्याज 100 से 120 रुपए किलो तक मिल रही है, जिसकी कीमत 5 रुपए किलो होनी चाहिए। व्यापारियों ने 32,000 टन प्याज को सड़ा दिया है। देश में कुछ तबके की आम जनता जो प्याज की चटनी और रोटी से गुजर कर लेती है, आज उसके लिए प्याज शोरूम में बिकने वाली चीज हो गई है। सरकार से यही मांग है कि वो बिचौलियों को फायदा देना बंद कर दे। जो ये बिचौलिए किसानों से 2 से 3 रुपए में खरीद कर ऊंचे दामों में आम जनता को बेचते हैं। सरकार जनता के उपयोग की चीजों को सस्ता करे। वहीं धरना करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार से सवाल करने पर कहते हैं, प्याज क्यों खाते हो, टमाटर खा लो। और तो और हमारी वित्त मंत्री से सवाल करने पर जवाब मिला है, मैं तो प्याज नहीं खाती। भूपेंद्र जादौन, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? आज हम ये पूरी यूपी में आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जो प्याज घोटाला हुआ है इसके विरोध में। प्याज इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी, जो आम जनता है देश की, वो बेचारी प्याज की चटनी और रोटी से अपना गुजारा करती है। इस मोदी सरकार ने 120 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो प्याज, 150 रुपए किलो प्याज, 80 रुपए किलो प्याज मिल रही है। जो प्याज 5 रुपए किलो होनी चाहिए उसका भाव 150 रुपए किलो तक कह दिया है। 32,000 टन प्याज इन्होंने सड़ा दिया है। अगर वो प्याज जनता के बीच होती तो ये मार्केट में होती तो जनता को सस्ती मिलती, लेकिन इन्होंने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी जिससे वो सुरक्षित रहे और आम लोगों तक पहुंचे। उसको सड़ा दिया, उसका भार जनता पे पड़ रहा है। 5 रुपए वाली चीज 125 रुपए किलो में खरीदनी पड़ रही है जनता को। क्या मांग कर रहे हैं सरकार का? सरकार से हमारी मांग ये है कि जो जनता के उपयोग की चीजें हैं उनको सस्ता किया जाए, जो बिचौलियों को फायदा कराने का जो सरकार काम कर रही है उसको बंद किया जाए। जो किसान चीज पैदा करता है वहां से 2 रुपए किलो में आती है किसान से चीज, और बिचौलिया और सरकार के पास जाते ही सैकड़ों रुपए में कीमत हो जाती है उसकी।